गुड इवनिंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज बंदवार। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे, ये केस है 24 इयर्स फीमेल का, जो 3 मंथ की प्रेगनेंसी है जिनको, और उन्हें वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही है। जब से उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब से उनको वॉमिटिंग की शिकायत है, और तकरीबन वॉमिटिंग करते करते 3 महीने हो गए हैं। डॉक्टर्स की मेडिसिन चल रही है गायनेक की, पर वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं है। पेशेंट तकरीबन 2-2.5 महीने पौने 3 महीने तक तो मन मार रहे थे, टेबलेट वगैरह ले रहे थे, पर तकरीबन कुछ 5 दिनों से उनको कुछ ऐसे सिम्टम आने लगे जिसकी वजह से फिर उन्हें होम्योपैथी के पास आना पड़ा। और वो मेरे पास जब आए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर तकरीबन 3 महीने से मुझे वॉमिटिंग की शिकायत है, पर अभी 5 दिन से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं थी मुझे। मैंने पूछा क्या था, बोले कि डॉक्टर साहब जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे उल्टी होती है, खाते से ही मुझे उल्टी हो जाती है, और कुछ भी पानी पीती हूँ तो पीते से तुरंत उल्टी हो जाती है। और ये चीज़ें तो मुझे काफ़ी टाइम से थी, पर अभी मुझे 5-6 दिनों से जैसे ही मैं सो रही हूँ तो मुझे यहाँ एक ऐसा भारी भारी कुछ अटका अटका सा लगता है, और उसके बाद मुझे उल्टी करने का मन करता है, और उल्टी हो भी जाती है, और जैसे ही मैं सोती हूँ तो ये समस्या मुझे चालू हो जाती है। तो मैंने पूछा कि तो आज कुछ खाया आपने, बोले नहीं कि डॉक्टर साहब 5-6 दिन से तो कुछ खाने में भी डर लग रहा है मुझे। मैंने क्यों, ये कुछ भी खाऊंगी तुरंत उल्टी हो जाएगी, और उल्टी होने के बाद में जो ये मुझे फसलियों में और मेरे पेट में जो दर्द होता है उससे मैं बहुत घबरा जाती हूँ, और वो 2-3 दिन तक दुखता रहता है, तो मुझे उस डर की वजह से भी मैं वो तकलीफ़ ना हो इसकी वजह से मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। तो मैंने इतना ही पेशेंट से पूछा कि ये तकलीफ़ होने के बाद में इतनी चीज़ पेशेंट ने बताई मुझे। तो हमने यहाँ पेशेंट ने जो बोला उसी को रूबरिक में कन्वर्ट किया है, कुछ इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने। सबसे पहले पेशेंट ने आते थे हमें कहा कि डॉक्टर साहब जो भी कुछ मैं खा रही हूँ खाते से ही उल्टी हो रही है, या पानी पीते से मुझे उल्टी हो रही है। तो सबसे पहला रूबरिक है यहाँ पर सेंसिटिव टू टच, इतनी ज़्यादा पेशेंट सेंसिटिव है कि उसके पेट में कुछ भी टच हो रहा है वो उल्टी हो रही है, जरा भी देर रुक नहीं पा रहा है, पीते से ही उल्टी हो रही है। और उसकी वजह से उस पर डर क्या हो गया है, उल्टी का डर, कि डॉक्टर कुछ भी खाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी, फियर ऑफ वॉमिटिंग। डॉक्टर मैं कुछ भी पानी नहीं खाने में भी डर लग रहा है मुझे कि खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी, ये फियर ऑफ वॉमिटिंग है। फियर में पेशेंट एक्शन लेता है, यहाँ उसने एक्शन लिया न खाने का। तो ये सेकंड रूब्रिक जो है वो फियर ऑफ वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग से उसको क्या तकलीफ है, अगर मैंने पूछा वॉमिटिंग हो जाएगी क्या तकलीफ, बोल के वॉमिटिंग होने के बाद में जो ये फसलियों में जो पेट में जो दर्द होता है ये घंटे घंटे चलता है, इससे मुझे डर लगता है, घबरा जाती हूँ मैं। तो ये है फियर ऑफ सफरिंग, वो सफरिंग में जाना नहीं चाहती, उसको फियर ऑफ सफरिंग है। और 5 दिनों से उसको जो कुछ अजीब सिम्टम आ रहे हैं वो हैं कि वो लेट के जब जैसे ही वो सोने जा रही हैं तो उसको यहाँ चेस्ट में कुछ भारी भारीपन लग रहा है। ये है थ्रोट में लंप सेंसेशन, ये है हमारा चौथा रूब्रिक। और ये कब हो रहा है, उसे सोते से ही हो रहा है, अभी 5 दिन से उसको जैसे ही वो सोने जा रही हैं कुछ उठ के यहाँ गले में अटक रहा है, और अटकने के बाद उसको वॉमिटिंग हो रही थी। ये है जनरल्स में लैंग एग्रेवेशन। हमने इन सभी रूब्रिक को रेपेटराइज किया, मेडिसिन 2 बहुत कॉमनली इसमें आती हैं, वो है लेकेसिस एकोनाइट, क्योंकि लेकेसिस डिग्री वाइज ऊपर है सभी रूबरी इन दोनों में। तो हमने लेकेसिस 200 की एक डोज दी और 15 मिनट तक पेशेंट को क्लिनिक पर बैठा के रखा, और हमने पूछा कि आप पानी पी सकते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, यही हमारी होम्योपैथी की खूबसूरती है, यही होम्योपैथी का जादू है कि पेशेंट ने 15 मिनट के बाद जब पानी पिया तो उसको वॉमिटिंग नहीं हुई। हमने उनको फिर घर जाने के बाद फिर कॉल किया कि अभी खाना खाया आपने, बोला हाँ खाना खाया, खाने के बाद भी उल्टी नहीं हुई है। और क्लिनिक पे हमने उसको जब लेटा के जो उसको लाइंग एग्रावेशन था और जो लंप सेंसेशन उसको यहाँ गले में लग रहा था वो सोने के बाद मेरे क्लिनिक पे उसको फील नहीं हुआ, हमने उसको 15 दिन का SL देकर घर भेजा। 15 दिन तक उसे कोई वॉमिटिंग की शिकायत नहीं हुई। ये एक ही 200 के डोज ने 2-2.5-3 महीने निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने जब 6 महीने में उसको वॉमिटिंग की जब शिकायत एक आई एक दिन, तो हमने वहाँ लेकर से 200 एक और डोज रिपीट किया, और ये इस 2 डोज में उसकी पूरी प्रेगनेंसी निकल गई। तो ये है हमारी होम्योपैथी की खूबसूरती, ये है हमारी होम्योपैथी का जादू, जब सिमिलिमम पड़ती है तो मैजिक होते हैं। कैसे पेशेंट के लेकेसिस के एक डोज ने उसे कितनी बड़ी सफरिंग में जाने से बचा लिया, जबकि वो 3 महीने से वॉमिटिंग से परेशान थी। तो हमें पेशेंट का कंसर्न जानना है कि यहाँ पेशेंट का मेन कंसर्न क्या है। पेशेंट का मेन कंसर्न यहाँ पे फियर ऑफ वॉमिटिंग, फियर ऑफ सफरिंग, 2 बहुत मेन कंसर्न थे, और जो रिसेंटली पेशेंट के जो सिम्टम आए थे वो उसे
थ्रोट में लम सेंसेशन और लैंग एग्रेवेशन, और ये है छोटा सा केस। अब जो भी बिगनर्स हैं, होम्योपैथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो माइंड टेक्निक से जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सबसे पहले कंसर्न देखे पेशेंट का। हमें रूब्रिक का पुलिंदा नहीं बनाना है कि ये भी देख लिया पेशेंट, वो भी देख लिया। पेन मेन पेशेंट का जो कंसर्न है वो हमने देखा पकड़ा, और उससे हमने टोटलिटी मैच की, तो पेशेंट तो ठीक होगा, हम भी बड़े आश्चर्य हो जाएंगे कि इतनी फास्ट मेडिसिन हमारी एक्शन करती है। और जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।